दहेज लेना देना क्या सही है ये? सर दहेज लेना भी गलत है, देना भी गलत है। आज जो है इस योगेश को क्या बोलोगे आप अपने दुख को लेकर? ये कातिल योगेश के नाम से बोला जाएगा साहब, ये कातिल है जी, बिल्कुल कातिल योगेश हो गया जी। आरपीएफ की जवान है, आपकी स्टूडेंट आज इस दुनिया में नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर दुख तो होता ही है जी, बहुत अधिक दुख होता है जी। गरीब से गरीब घर का लड़का हो वो दहेज को ठुकरा देता है, और अमीर से अमीर घर का लड़का हो वो और अधिक मांगने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत, और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज दोबारा फिर पहुंचे हैं यहाँ यार गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये, और ये मुद्दा काफी वायरल चल रहा है, अंबिका हत्याकांड। आज हमारे पास में अंबिका के गुरुजी बैठे हैं जिनके पास वो पढ़ रही है, स्टूडेंट रह रही है उनकी, और एक बात जो मैं अंबिका के पिताजी बैठे हैं, और जो है कुछ अंबिका के एजुकेशन के बारे में, उसके जो है पढ़ाई में कैसी थी कैसी नहीं उनके बारे में पूछना चाहेंगे, और जनता की आवाज खुल तहराज कुछ सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सतपाल सिंह है सर, गांव पाथेड़ा से। जी जी, हमारे जनता की तरफ से भी और हमारे यूट्यूब चैनल तरफ से भी स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप अंबिका के गुरुजी हैं? जी सर, अंबिका 6th 7th क्लास से 12th क्लास तक वहाँ पढ़ी थी। जी, आपके पास। जी सर। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनको? मैं उस समय इंग्लिश पढ़ाता था जी। जी जी, पढ़ाई में कैसी थी वो? पढ़ाई में ठीक थी लड़की। अच्छी थी, मतलब माँ बाप से बढ़ के टीचर लोग गुरुजी जानते हैं जी सर बच्चे के बारे में। जी सर। और जो है आज अंबिका की शादी में भी आए होंगे आप लोग, कई सालों से वाकिफ हैं, और आपको ये पता होगा आरपीएफ की जवान है, आपकी स्टूडेंट आज इस दुनिया में नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर दुख तो होता ही है जी, बहुत अधिक दुख होता है जी। जी देखो, हमारे पास पढ़ी है, हमारे पास रही है, एक बच्चों की, मेरे बच्चों के समान, बच्चों जैसी होती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता तो एक बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटे जैसा, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और एक और चीज जी, इसमें मैं एक दो बात कड़वा सवाल आपसे भी होगा, जैसे बार बार सामने आ रही है प्रथा ये दहेज को लेकर, दहेज लेना देना क्या सही है ये? सर दहेज लेना भी गलत है, देना भी गलत है, दोनों ही बातें गलत है जी, उसमें दोनों पक्ष दोषी होते हैं उसमें। जी सर। आज जो है मैं आपके निजी विचार जानना चाहूंगा मैं। जी सर। दहेज के प्रति जो है आज कोई भी बच्चा स्कूल में 1 10 तक गिनती मुश्किल से माँ बाप सिखा पाते हैं घर पे, लेकिन जो भी पढ़ाई की प्रक्रिया होती है टीचर के माध्यम से ही बच्चा एजुकेशन लेता है, आपने भी ऐसे ली होगी। जी सर बिल्कुल सही बात है, विद्या मंदिर ही सब कुछ है बिल्कुल तरक्की के लिए बच्चे की। देखो विद्या, छोटा बच्चा स्कूल में डालते हैं तो स्कूल ही सिखाता है बच्चे को। जी, क्या स्कूल में, कड़वा सवाल है आपसे मेरा जी, मैं माफी चाहूंगा अगर बुरा लगे तो, जो दहेज के प्रति कभी नहीं पढ़ाते बच्चों को आप लोग कि भाई दहेज लेना देना गलत है और जो है ये नहीं चाहिए, इसमें बेटियां जो है शोषण हो रहा है, शिकार हो रही है, मारी जा रही हैं, क्या कभी हफ्ते में 10 दिन में या कदा पीरियड ऐसे स्कूल में होता कि नहीं होता है? जी सर, जी सर, ऐसा है, समय समय पर हम मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी और मैं भी काउंसलिंग करते रहते हैं इस मैटर पर, और बच्चों को इस मैटर पर अवगत करवाते रहते हैं, सचेत करते हैं दहेज के बारे में कि दहेज एक अभिशाप है, इसे हमें बचना है। और मैं तो जो मेरे स्कूल के बॉयज हैं, लड़के हैं, उनको भी बीच बीच में मोटिवेट करता हूँ कि यदि आप भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से अगर ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो भी बेटा दहेज के पक्ष में मत रहना। जी जी। और इसमें आम आपके पढ़ाने के मुताबिक बच्चा मार्क्स लेता है जो है, कोई 80% ले ले, 90% ले ले, कुछ है और नीचे भी ले जाए और अब भी चले जाते हैं, लेकिन दहेज के पीरियड में बच्चे, लड़के भी लड़की भी सब फेल हो जाते हैं जी, क्यों? ये पढ़ाई पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या इनके दिमाग में अच्छे से डालते नहीं है, या आगे जाके पढ़ाई छोड़ने बाद में लालच में धंस जाते हैं, ये दहेज को लेकर सब बच्चे फेल हो जाते हैं जी, ऐसा क्यों?
सर वो अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग परिवारों का, अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत होता है। देखो जो हमने स्कूल में टेबल सीखी है वो आज तक याद है, गुरुजियों के देन है, टीचर लोग भी। बिल्कुल सही बात है जी, बताओ। और जो है ये नहीं सीख पाते बच्चे बड़े होकर, कोई जॉब लग जाए या कोई थोड़ा कमाता ज़्यादा कमाता है, लेकिन दहेज की नीयत बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये पढ़ाई मैं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्वेश्चन नहीं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि थोड़ा इसमें आपने स्कूल में, मैंने ये पता नहीं आप कौन से स्कूल में हैं और जो है वहाँ प्रिंसिपल कौन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशली छोटा सा मेथड बच्चों के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में ये दिया जाए ताकि आगे जाके इन बुराइयों का सामना कर सकें और इनसे दूर रह सकें। ऐसा है सर, दहेज के बारे में भी और मॉरल वैल्यूज के बारे में जी, नैतिकता के बारे में, संस्कारों के बारे में जी, जी। समय समय पर हम मेरे जो सीनियर साथी हैं उनसे भी जी जी समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करवाते रहते हैं जी जी, बहुत बढ़िया, और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि सर जी बड़े दुख के साथ बैठे हैं इस परिवार के में, बीच में आप भी और हम भी, अगर ये बच्ची सेफ होती, इस दलदल में नहीं दसी होती, अपना संपूर्ण परिवार बसा रही होती, तो शायद महाराज आपका मिलना पॉसिबल नहीं था। नहीं, बात सही है जी, दुख की घड़ी में मिले हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और आने वाले समय में अगर ये दुख की पीड़ा दहेज की यूं ही चलती रही, आज 36 बिरादरी में समाज में ये दहेज कैंसर बन गया है और इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ना तो कोई प्रशासन के पास में है ना कोई, और जनता उसमें आप भी आगे हम भी आगे सब देख रहे हैं, वो खुद इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये तो व्यक्ति के सिद्धांत पर डिपेंड करता है जी। जी, गरीब से गरीब घर का लड़का हो वो दहेज को ठुकरा देता है, और अमीर से अमीर घर का लड़का हो वो और अधिक मांगने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति के सिद्धांत पर डिपेंड करता है जी। हर व्यक्ति के अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग सिद्धांत होता है जी। इसमें मानसिक रूप से ये माना जाता है कि जमीर या इंसानियत की कदर ये गरीब बच्चे में पाई गई है ज्यादा, क्योंकि अमीर लोगों की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। आज उनका हमारे 10 लाख का बजट है तो 20 लाख चाहेंगे दहेज में लेना, भी गाड़ी मिले, ये मिले, वे मिले, एक छोटी सी झोपड़ी होगी वो खाली, लड़के संतुष्टि हो जाए, मेरा घर बस जाए। सर ऐसा है, बहुत सारे अमीर परिवार भी ऐसा देखे सी जो कि बगैर दहेज शादी करते हैं, और गरीब भी ऐसे परिवार देखे जो कि बगैर दहेज शादी करते हैं। ये सब व्यक्ति के, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, व्यक्ति के अपने सिद्धांत पर, अपने व्यवहार पर, अपनी नियति पर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, हाँ जी। जिसका अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से घर गुजारा नहीं होगा, उसका दहेज का जो उम्र दे ले घर नहीं बसता जी। आज थोड़ा मांगेगा, कल को दोबारा मांगेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़गी मांगने पर, रूप हो गया दहेज का। क्योंकि जब उसने कोई जरूरत पड़ेगी तो लड़के पक्ष से मांगेगा, वो अपनी मेहनत से गुजारा नहीं होगा, अपने किसी काम लेके गुजारा कर ले, कोई दुकान या शॉप को बिजनेस कर ले, वो दहेज का रूप लेके लड़के पे दबाव बनाएगा, वहां से आना चाहिए, जबकि ऐसा ये सरासरी गलत है। ये बात बिल्कुल सही है, सही बात है। और आज अनपढ़ व्यक्ति से लेकर शिक्षित नागरिक तक, व्यक्ति तक, सभी जानते हैं दहेज का रिजल्ट क्या है और दहेज के बारे में कि दहेज एक बुराई है, सभी जानते हैं सर। और दूसरी बात एक और जी, आज पीड़ित परिवार हमारे पास में, हम भी कई फादर बैठे हैं, आज इनके सुनने वाला कोई नहीं जी। जो आपने देखा होगा, ऑडियो भी देखी होंगी हमारे चैनल के माध्यम से, और भी कई चैनलों पर वीडियो भी देखी होंगी, ये दुख के सैलाब में परिवार डूबा हुआ है बिल्कुल। आज वो दुख पड़ता है तो इंसान पुलिस प्रशासन के पास जाता है, और प्रशासन ये अपने बाकायदा सबूत लेके जाते हैं कि जी ये मेरी बेटी के साथ में हादसा हुआ है, और इसके पास में इसके बॉडी पर जो है 18 जगह की बजाय टोटल लगभग 40 से 50 निशान पाए गए हैं। क्योंकि अगर 10 इंच में एक निशान है तो मेडिकल के ब्याह पर एक निशान अकाउंट किया वो, लेकिन उस पर 10 बार हुए हैं जब वो 10 इंच या 1 फुट के दायरे में निशान पड़ा है। लगभग 40 से 50 निशान बॉडी में जिसके होंगे, और उस पर बताया गया कि करंट लगा के वारदात हुई है, लेकिन आज इसकी इनका जो है मेडिकल के पेपर सब वो भी उठे हैं, आज ये भी उठे हैं, जो फोटो वगैरह हैं जो पहले ऑडियो वायरल हो रही है वो भी उठे हैं, आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कहोगे आप लोग? सर वो चोट वोट वाला मैटर है, वो तो आजकल साइंस इतनी एडवांस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, उससे रिपोर्ट में सब कुछ आ ही जाता है। लेकिन पुलिस फिर भी नहीं मान रही है, पंजाब पुलिस जो है जी, वो नहीं मान रही है, वो ये कह रही है आपकी बेटी ने सुसाइड किया हुआ है, और ये
मेडिकल लेके जाते हैं और जो है फिर भी दोबारा फोन आता है, 5-7 चक्कर वहां भी लगाए, 6-6 किलोमीटर जा गए। किसान आदमी आज मेरे कई चक्कर लग लिए हैं, इन पे आंसुओं के सिवाय इनको कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं है इनकी। अब पुलिस के पास जाते हैं उल्टा दोषी नहीं को बनाते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कहां जाए, इससे आगे रास्ता क्या होता है पीड़ित परिवार का। बात सही है। देखो लड़की पढ़ाई में ठीक थी और इंटेलिजेंट रही अपने समय में, स्पोर्ट्स में भी अच्छी रही है और बेल्ट की जॉब उसका। कौन से स्पोर्ट्स में थी सर? सर ये स्कूल में तो ज्यादा गेम वगैरह नहीं होते थे, लेकिन दौड़ वोड़ होती थी स्कूल में कभी, तो उसमें भी अव्वल रहती थी। जी। जैसे दौड़ होती थी या कभी खो खो खिला लेते थे या इस प्रकार कोई भी एक्टिविटी होती थी उसमें पार्टिसिपेट करती थी। कौन से गेम सर? ये बोल रहे मास्टर जी उनमें थी। अच्छा अच्छा। दौड़ वगैरह है ना, दौड़ वगैरह ठीक थी गुड़िया की। मतलब खास कर रेस में थी। हाँ, रेस में थी जी। जी जी। और आज जो है हमारे अंबिका के टीचर लोग भी आए हुए हैं, इनके विचार लिए हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में कई साल से वाकिफ हैं। और आज एक आरपीएफ की जवान है सर, आरपीएफ की जवान है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि प्रशासन की सिपाही तैनात होते हुए और वो खुद एक लड़की है, अपनी जान उसकी सेफ नहीं है, आम लड़कियां कैसे सेफ रह पाएंगी सर? देखो ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आज जैसे लड़कियों के साथ जाति जो परिवार करता है वो गलत है। अगर जाति कोई परिवार करता है वो गलत है, चाहे कोई भी परिवार हो। अगर दहेज का दबाव बनाता है या वैसे, देखो जॉब वाली लड़की मिलती है उसके बाद तो सब सारी समस्याएं मिट जाती हैं। जी जी। आजकल तो जॉब पढ़ी कहाँ है, रखी कहाँ है जी। और एक पेरेंट्स ने बेटी को पढ़ाया है लिखा है उसके बाद जॉब भी लगी है, तो ये तो एक सौभाग्य था उस परिवार का, जो कि दोनों मान लो हमारी बेटी भी और लड़का भी दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे और दोनों का तालमेल अच्छा होना चाहिए था, अच्छा विकास होता, बहुत आगे बढ़ने थे बच्चे। लेकिन बस कहाँ मिस्टेक हुई है, ज्यादा टच में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत हुआ जी। आज जो है पीड़ित परिवार, हम उसके पीछे फौजी नहीं लगाते, योगेश ही बोलेंगे, क्योंकि ये लगाने से हमारे काफी नजदीकी हैं, हमारा फौजियों से भी, फौज से भी काफी लगाव है, लेकिन फौजी लगाने से हमारा जो लगाव है, जो लोग हैं वो गलत पंच करते हैं कि इसके पीछे फौजी मत लगाओ, योगेश बोला आप लोग। और जो है हमने फौज पर, अपने फौजियों पर बहुत ज़्यादा गर्व है, हमारा देश आभारी रहेगा, लेकिन ऐसे योगेश जैसे फौजी की जरूरत नहीं है। आज जो है इस योगेश को क्या बोलोगे आप अपने दुख को लेकर? ये कातिल योगेश के नाम से बोला जाएगा साहब, कातिल है जी, बिल्कुल कातिल योगेश हो गया जी। ये पिताजी का दुख की आवाज है ये, जिसका जवान बेटा बेटी कामयाब होके और इस पोस्ट पर जाके, जहाँ सैकड़ों में से नहीं 200-400 में से लड़की एक आधी आगे निकलती है। बात सही है जी। और वो बहुत सारे बच्चे जैसे जॉब के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से सिलेक्टेड चुनिंदे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चुनिंदे बच्चे सिलेक्ट होते हैं जी। कॉम्पिटिशन का समय, इस प्रतियोगिता के समय में बच्चे प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हजारों की संख्या में बच्चे जाते हैं और उसमें से एक बच्चा, दो बच्चा, पांच बच्चे जो वैकेंसी होती है उसी हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। 18 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था जी, उसमें से 2460 बच्चा सिलेक्शन हुआ था 18 लाख में से। 18 लाख फॉर्म जो है अप्लाई हुए और 2460 सिलेक्शन हुए, जिनमें से एक हमारी अंबिका गुड़ी बेटी भी थी। आज उन 2400 में से ही एक और जवान घट गई है और वजह आपके सामने है, पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है। अगर हमारी पंजाब पुलिस के कानों में ये आवाज़ है, कपूरथला थाने के अंदर आईओ साहब के पास मैं स्पेशली मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ, अगर आज ये घटना इनके साथ है, कल को हो ना हो ये आपके साथ हो जाए, तो अगर आप सब के सब उठे होंगे, आपकी बेटी मारी जाएगी, तो क्या कार्रवाई नहीं करोगे आप लोग? क्या मांग नहीं, न्याय के लिए गुहार नहीं लगाओगे आप लोग? तो पीड़ित परिवार की सुन के और अपनी गहनता से तस्दीक करके जो जो भी आरोपी सामने आते हैं,
मेडिकल के भी आप पुलिस प्रशासन की तस्दीक को लेकर उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी अपडेट सामने आएगी तो आप तक जरूर शेयर करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।